हेलो फ्रेंड्स, टुडेज वर्स इज टेकन फ्रॉम आइज़ाया 25 वर्स 4। हेलो मित्रों, आज का प्रतिज्ञा वचन यशायाह 25 उसका 4 से लिया गया है। यू हैव बीन अ रिफ्यूज फॉर द पुअर, अ शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म एंड अ शेड फ्रॉम द हीट। क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए घर और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। द लॉर्ड प्रॉमिसेस टू प्रोटेक्ट यू एंड प्रॉमिसेस टू बी अ शेल्टर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो आपको सुरक्षित करेंगे, आप सभी के लिए परमेश्वर शरण स्थान बन जाएंगे। The verse says in Psalms 91:4, He will cover you with His feathers and under His wings you will find refuge। भजन संहिता 91:4 में ऐसा लिखा है, वो तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। Yes, each of you are present under the wings of the Almighty। जी हाँ, आप सब लोग परमेश्वर के पंखों के नीचे सुरक्षित हैं। What a blessing that is। ये कितना बड़ा आशीष की बात है। There is a story of two little children who are walking along the train track। एक कहानी पढ़ी हूँ, दो छोटे बच्चे रेलवे के ट्रैक से गुजर रहे थे। An elder sister and a younger boy। एक बड़ी दीदी थी, उनका छोटा सा भाई था। And suddenly, unexpectedly, a train was beginning to cross। अचानक एक ट्रेन जो है सामने आने ही वाली थी। And the little boy became so frightened। और छोटा सा बच्चा बहुत ही डर गया। He said to his elder sister, sister, what do? I'm so scared। अपने दीदी को पुकार के कहा, दीदी मैं क्या करूंगा, मैं डर गया हूँ। And the elder sister said, just hold on to the rock that is present there, hold on tight to the rock। दीदी ने कहा, वो जो सामने जो बड़ा चट्टान है, इसको जरा पकड़ के रहो। And don't worry, the train will pass by soon। चिंता नहीं करो, ट्रेन बड़ा जल्दी जो है पास हो जाएगा। And the little boy did the same thing, he held on to the rock and the train went away fast। छोटा सा बच्चा वैसा ही किया, पत्थर को जकड़ के रखा और ट्रेन बड़ा जल्दी गुजर गया। In the same way, let's remember to hold on to the rock which is our Christ। उसी तरह आप याद रखें, हम उस चट्टान को थामे रहे जो प्रभु यीशु मसीह है। Let's hold on to Christ every day। हर रोज हम प्रभु यीशु मसीह को थामे रहें। Today, if you are feeling lonely, tell the Lord about your feelings। आज अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपना अकेलापन परमेश्वर से साझा करें। Tell the Lord, Lord, I want you in my life every second। आप कहे, जीवन का हर एक क्षण प्रभु मैं आपको अपने जीवन में चाहता हूँ। And hold on to him। परमेश्वर को थामे रहें। Every time you go out as a family or if you go out for work or to college, tell the Lord to be with you। हर बार परिवार के रूप में जब बाहर जाते हैं या काम करने बाहर जाते हैं या पढ़ाई करने बाहर जाते हैं, हमेशा परमेश्वर को अपने साथ रहने के लिए कहें। It can be just a small prayer, but when you utter it, you will feel the presence of God। ये सर छोटा सा ही प्रार्थना होगा, लेकिन जैसा प्रार्थना आप करेंगे, आप परमेश्वर की हुजूरी को महसूस करेंगे। Today, let's ask the Lord for His protection। आइए आज परमेश्वर की हुजूरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, I pray for your protection over each of your children। प्रभु यीशु, आपका सुरक्षा हर एक बच्चों के लिए मैं मांगती हूँ। Lord, there might be so many people who are away from their families। कई लोग शायद अपने परिवार से बहुत दूर हैं। They may be living abroad in different countries for study। शायद पढ़ाई के लिए विदेश में या और कोई देश में रह रहे हैं। And they may be feeling so afraid, Father। और शायद बहुत ही घबराए हुए हैं। Lord, today I pray for your protective hand to come upon them। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर उतार आए। Lord, even when they are alone in their homes, let them feel your presence all the time। वो जब अपने घर में अकेले होते हैं, सदा आपकी हुजूरी को महसूस करें। Lord, I thank you for your presence over each of your children। वो आपको धन्यवाद देती हूँ आपके हर एक बच्चों के जीवन में आपकी हुजूरी के लिए। Lord, as they go out today, let your presence surround them। पिता, जब वो बाहर जाते हैं, आपकी हुजूरी उनको घिर कर रखे। As they go to work today, let your presence surround them। जब वो काम करने जाते हैं, आपकी हुजूरी उनको घिर कर रखे। In Jesus' name I pray, Amen। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, Amen। So my dear friends, the Lord is a protective shield over each and every one of you। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके लिए एक सुरक्षा का ढाल हैं।